हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। रीनल सिस्टम में हम आज एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया, और इसी को बीपीएच भी कहा जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेसिया। चलिए शुरू करते हैं बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेशिया को पढ़ना। सबसे पहले बात करें कि आज के इस बीपीएच के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। हम पढ़ेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, कहाँ पे होती है, इसका साइज कितना होता है, मतलब वेट कितना होता है, और ये काम क्या करती है, इसका काम क्या है। तब हम डिस्कस करेंगे मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम सबसे पहले। दूसरा हम डिस्कस करेंगे मेनली जो बीपीएच होता है, बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी होती है, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर होता है, वो कौन से पार्ट में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पार्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे, कहाँ पे कैंसर होता है और कहाँ पे ज़्यादातर बीपीएच होता है। बीपीएच और कैंसर दोनों अलग अलग है, बीपीएच का मतलब कैंसर नहीं। ओके, तीसरी बात हम पढ़ेंगे बीपीएच की डेफिनेशन, बीपीएच को हम करेंगे डिफाइन, पीएच को हमने डिफाइन करना है। नेक्स्ट हम पीएच को डिफाइन करने के साथ साथ इटियोलॉजी पढ़ेंगे, और द लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी, आखिर बीपीएच कैसे होता है, आखिर बीपीएच कैसे होता है, ये सारी चीजें टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे। चलिए हमारे पहला टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड। पहला टॉपिक हमारा क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। ओके सर, तो बताइए फिर प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड केवल और केवल मेल के अंदर होती है। पहली बात यह है, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, केवल मेल के अंदर ही पाई जाती है। दूसरा कैसे होती है, ये लगभग 20 से 25 ग्राम की होती है, 20-25 ग्राम की होती है प्रोस्टेट। ठीक है सर, सर किसको सराउंड करती है, सराउंड दी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को चारों तरफ से इनसर्कल करती है। सपोज ये एक यूरेथ्रा है तो उसको चारों तरफ से घेर से भी ऐसे घेर में क्या है, अगर मैं सपोज यूरेथ्रा बनाऊं तो यूरेथ्रा अगर 20 से निकल रहा है, यूरेथ्रा अगर 20 से निकल रहा है तो चारों साइड से इस छोटी सी ग्लैंड ने कवर करके रखा है, तब यहां भी कवर किया हुआ है, यहां भी कवर किया हुआ है, यहां भी किया हुआ है, और यहां भी कवर। तो पूरे चारों तरफ से ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करके रखती है, यूरेथ्रा को कवर करके रखती है। अब नॉर्मली बनाऊं तो सपोज ये ब्लैडर है और ब्लैडर से नीचे की तरफ ऐसे यूरेथ्रा जा रहा है, ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के इस साइड भी होगी और ऊपर से कवर करते हुए इस तरफ भी होगी। ओके, तो यूरेथ्रा पे जो चिपका हुआ रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड, इस पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल जोन। यूरेथ्रा के सबसे नजदीक रहती है वो सेंट्रल जोन हो गए, ये वाले दोनों पार्ट कौन से हो गए, सेंट्रल जोन। जो बीच वाला पार्ट है
ऐसे, ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड का ये बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन। तो क्या बोलते हैं इसको, बोला जाता है ट्रांजिशनल और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ये वाला और ये वाला, इसको बोला जाता है पेरिफेरल जोन। पेरिफेरल हमने क्या बोला, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। तो प्रोस्टेट ग्लैंड केवल मेल के अंदर ही देखने को मिलती है, इसका वेट लगभग 20-25 ग्राम के आसपास होता है, जो यूरेथ्रा को सराउंड करती है या मैं बोल सकता हूँ सर्कल करती है, यूरेथ्रा को सराउंड करती है या फिर मैं बोल चारों तरफ से इन सर्कल करके। ओके ठीक है सर, तो यूरेथ्रा को चारों तरफ से इस तरीके से घेर के रखती है। अब अगर मैं ऐसे बनाऊं तो सपोज ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा के नजदीक वाला ये कहलाता है सेंट्रल जोन प्रोस्टेट ग्लैंड का, के बीच वाला कहलाता है ट्रांजिशनल जोन, सेंट्रल जोन और लास्ट वाला कहलाता है पेरिफेरल जोन। आज बात क्या याद रखनी है आपको, सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ ले कि बीपीएच कहाँ पे होता है तो वो होता है ट्रांजिशन, सबसे ज्यादा बीपीएच होने की कोई। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कैंसर होने के चांस का, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली कैंसर होने के चांस हैं पेरिफेरल जोन में। तो ये दो बातें हमने बस इतनी बात पढ़नी, केवल मेल के अंदर ये होता है। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं बीपीएच के बारे में, आखिर सर ये बीपीएच क्या है, बीपीएच की डेफिनेशन। इसकी पहले तो फुल फॉर्म लिखते हैं, बिनाइन स्टेट हाइपर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। तो एच है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, एच को बोला जाता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। ओके सर ये क्या है, इसकी डेफिनेशन में हम ये बोलते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका फंक्शन समझना पड़ेगा हमें इससे पहले। फंक्शन फंक्शन किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, कुछ सीक्रीशंस करती है, मतलब कुछ सीक्रीट करती है। क्या करती है भी ये ग्लैंड, ये प्रोस्टेटिक सीक्रीशन करती है जिसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूड, को बोला जाता है प्रोस्टेटिक। ये प्रोस्टेटिक फ्लूड क्या करता है, स्पर्म के एक तो लाइफ स्पेन को बढ़ाता है, एक तो स्पर्म के लाइफ स्पेन को बढ़ाता है, साथ में है एल्केलाइन बना, स्पर्म को कैसा बनाता है एल्केलाइन बनाता है। तो ये काम है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बीपीएच। बीपीएच का मतलब अगर मैं सिंपल सिंपल लिखूं, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। मैं बीपीएच को लिख सकता हूं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होना ही क्या कहलाता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। या तो मैं ये बोलूं या फिर मैं ये बोलूं कि हाइपरप्लेसिया कट, क्या मैं ये बोलूं नंबर ऑफ सेल्स
इंक्रीज इन प्रोस्टेट, तो चाहे इनलार्जमेंट हो चाहे नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, या इन दोनों को एक लाइन में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ, हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, इस कहानी को बोला जाता है बी। मतलब अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ने लग गया या फिर उसके अंदर सेल्स का नंबर बढ़ने लग गया, तो चाहे हाइपरट्रॉफी हो चाहे हाइपरप्लेसिया हो प्रोस्टेट ग्लैंड की, से बोला जाएगा बीपी, से क्या बोला जाएगा, से बोला जाएगा ओके। तो सर इसकी वजह से क्या होगा, अगर सपोज ये यूरेथ्रा है और इसके चारों तरफ बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई तो क्या होगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा, इस पे प्रेशर पड़ेगा, चारों तरफ से सेल बढ़ गए जो इसके चारों साइड रहते हैं, सेल्स को हम प्रोस्टेट ग्लैंड की सेल्स बोलते हैं, प्रोस्टेट सेल्स होती है, चारों तरफ से जो सेल्स आ रही है वो प्रोस्टेट की सेल्स है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ गया तो प्रेशर किस पे होगा, सबसे ज्यादा जो प्रेशर क्रिएट होगा वो किस पे होगा, सपोज ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसने अपना साइज बढ़ा लिया तो प्रेशर किस पे क्रिएट होगा, यूरेथ्रा पे, सिंपल सी बात है, तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है यूरेथ्रा पे, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है यूरेथ्रा। इसी की वजह से यूरिन पास करने में भी डिफिकल्टी हो सकती है, डिफिकल्टी पास डिफिकल्टी होने लग जाती है यूरिन को पास कर लग जाती है डिफिकल्टी ओके। तो ये है हमारा बीपी। नेक्स्ट कैसे होता है वो देखते हैं, मतलब इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि आखिर बीपीएच होता क्यों है, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कि आखिर जो ये बीपीएच हो रहा है ये क्यों हो रहा है ओके। तो आपको बताता हूँ, आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, ये बाइंड होता है एंड्रोजन के साथ, के साथ बाइंड होता है, और जब ये एंड्रोजन के साथ बाइंड होता है, एंड्रोजन कहाँ है, प्रोस्टेट ग्लैंड में, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो एंड्रोजन है वहां के साथ जाके बाइंड हो जाता है। अब ये जब दोनों बाइंड होते हैं, एक्चुअली इनका मेन पर्पस होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड को, प्रोस्टेट ग्लैंड के की ग्रोथ करवाना, पर ऐसी ग्रोथ जो नॉर्मल हो, प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ को नॉर्मली बड़ा करने के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो जाके बाइंड हो जाता है किससे, एंड्रोजन से, और एंड्रोजन से बाइंड होगा तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की ग्रोथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होती, लेकिन कैसी इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज, कैसी इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज। पर अगर अब वहीं पे कोई बंदा 60 ईयर से ऊपर हो जाता है, अगर कोई पर्सन 60 ईयर से ऊपर हो जाता है, उसके अंदर बाइंड होने के बाद बनते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम के अंदर होते हैं 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम।
50 साल 60 साल के बाद मेल के अंदर ये हार्मोन बनता है फाइव अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम क्या करता है, जो टेस्टेस्टेरोन जाता है ना, टेस्टेस्टेरोन, इस टेस्टेस्टेरोन को ये DHT में कन्वर्ट कर देता है। मतलब 60 साल के बाद जो टेस्टेस्टेरोन है वो DHT में, यानी कि डाई हाइड्रो टेस्टेस्टेरोन, क्या नाम है इसका, डाई हाइड्रो टेस्टेस्टेरोन कन्वर्ट कर दे। और अगर एक बार डाइहाइड्रो टेस्टेस्टेरोन बन गया तो ये DHT क्या करता है, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करवा देता है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट, एक्सेसिव ग्रोथ करवा देता है इसकी प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड की एक्सेसिव ग्रोथ करवा देता है। कौन करवा देता है ये करवा रहा है DHT। तो एक्सेसिव ग्रोथ होना ही क्या कहलाता है, BH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया। तो इस तरीके से होता है। दोबारा एक बार देखते हैं, देखो नॉर्मली तो टेस्टोस्टेरोन बाइंड किसके साथ होता है, एंड्रोजन के साथ, और एंड्रोजन मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन की ग्रोथ करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की ग्रोथ होती है, और प्रोस्टाग्लैंडिन की ग्रोथ होना नॉर्मल है, पर उम्र की वजह से, एज की वजह से मेल के अंदर बनता है फाइव अल्फा रिडक्टेज एंजाइम जो टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है DHT में, और DHT बनते ही क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है किसकी, प्रोस्टेट ग्लैंड की, और उसकी वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया की वजह से क्या होता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होता है की वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया इतनी बात समझ गए हम। मतलब अल्टीमेटली बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया अभी तक क्या पढ़ा हमने, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया का मतलब ये है कि मेल के अंदर जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ रहा है। चाहे हम ये बोलें कि हाइपरट्रॉफी हो रही है, हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज साइज ऑफ सेल, और हाइपरप्लेसिया का मतलब इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं प्रोस्टेट के और साइज ऑफ सेल भी बढ़ रहा है। तो अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो प्रोस्टेट कवर करके रखता है किसको, प्रोस्टेट मेनली कवर करके रखता है यूरेथ्रा को। तो अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो वो प्रेशर लगाएगा यूरेथ्रा पे, और यूरेथ्रा क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। इसी कहानी को BPH बोलते हैं। और इसके होने का मेन कारण अगर मैं लिखूं तो मेनली तो एज ही है, एज बढ़ने की वजह से एक हार्मोन बनता है फाइव अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये फाइव अल्फा रिडक्टेज एंजाइम टेस्टेस्टेरॉन को डाई हाइड्रोटेस्टेस्टेरॉन में चेंज करता है। डाइहाइड्रोटेस्टेस्टेरॉन क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा देते हैं, इतनी भी नहीं करानी थी, बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, जिसकी वजह से BPH हो जाता है, वजह से बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो सकता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया हो सकता है जिसकी वजह से। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी आज की क्लास में, इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।